बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिया, आपको अपने YouTube चैनल महफिल फूड पॉइंट में वेलकम करती हूँ। आज हम दो मिनट में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और स्पंजी केक की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जो विदाउट ओवन, विदाउट कढ़ाई, पतीला आप बेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार हो जाता है सिर्फ दो मिनट में। आप इसको सैंडविच मेकर में बना के तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार। जिस तरह से आप ओवन में बेक करते हैं केक, उसी तरह का ये बनेगा। इस तरह से हमने दो तरह के केक बनाए, एक चॉकलेट फ्लेवर में बनाया और एक मार्बल। तो आप इस तरह से हर तरह का केक इसमें बेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हम दो अदद अंडे शामिल करेंगे। दो अदद अंडों से ही आपके बहुत ज़्यादा केक बनके तैयार हो जाएंगे। ये अंडा हमने इसमें शामिल कर दिए। एक कप हमने इसमें चीनी डाली है, वनीला एसेंस इसमें चंद कतरे हम शामिल करेंगे, ऑयल के हम 5 से 6 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ पर दूध इसमें हम आधा कप शामिल करेंगे। दूध हमने ठंडा या गर्म इसमें नहीं डालना, नॉर्मल दूध हमने इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में डाल देंगे और इसमें हम मैदा मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाएंगे, बहुत अच्छा हमारा थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो हम इसको सैंडविच मेकर में इस तरह से बेक कर लेंगे। सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया है, आधा टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है और 1 से 2 चुटकी हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको हम इस तरह से बीट कर लेंगे। अब दो बर्तनों में हम इस बैटर को डिवाइड कर लेंगे। एक में हम कोको पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसका मार्बल केक बनाया है तो दो कलर में हम इसको बनाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें कोको पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। पहले हम ये वाइट कलर का बैटर इसमें डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट कलर का डालेंगे। इस तरह से सारा हमने डाल देना है, बहुत ज़्यादा इसको भरना नहीं है हमने। इस तरह से केक की शेप आ जाए, थोड़ा सा ये फैल जाए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ये वाला बैटर डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर में। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना हमने, वरना फिर ये कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। आधा चम्मच हमने डाला है इसमें, और इसको किसी भी तिनके से इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसका बहुत अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आएगा इसमें। ये देखिए, 2 मिनट में हमारा केक बेक हो गया। सैंडविच मेकर को आप पहले 2 मिनट पहले गर्म कर लें, फिर इसमें ये बैटर डालें, तो 2 मिनट में आपका ये ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बन के तैयार हुआ है। जिस तरह से ओवन में केक को बेक करते हैं, उसी तरह का इसका फ्लेवर है और इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बहुत ज़्यादा केक बन के तैयार हुए हैं सिर्फ 2 अंडों और 1 कप मैदे से। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।